सब आप लोगों का प्यार है, आप दिल से तन से एक साथ में जुड़े हुए हुए हो, इसलिए मैं यहाँ तक आपको वजह से मैं हूँ। थैंक यू। लेकिन अभी चिट्ठी नहीं खोल रहा हूँ। मधुर सर बोल रहे हैं आवाज वहां तक जाना चाहिए, तो ऐसे ही मैं बात करूंगा। सब लोग आज फैमिली के साथ में, सब अपना परिवार यानी अपना शिवाज का परिवार और सब मेहमान, मेरे खास मित्र सब लोग काफी है। अपना मधुर सर, अशोक पंडित जी, ईश्वर सुभोष भंडारी, सब लोग अपना मनीष सर भी आए हैं। नमस्कार। शिवा के बारे में मैं ये कहूँगा कि इतने सालों से मैं उसको जानता हूँ और जैसे कि दो सैलून से इसने शुरू किया था, आज इतना 20 सैलून है, 32 ईयर्स। और मेरे ख्याल से दोस्तों ये इनकी जो मेहनत है, लगन है, उसकी वजह से हुआ है और इनका नेचर अभी भी वैसे ही है जैसे मैं इनको इतने सालों से जानता था, वैसे ही है। बिल्कुल 2001 की बात है, चांदनी बार रिलीज हुई थी, इसके बाद मैं गया था इनके सैलून में, लोखंडवाला में, और जब से एक कंटिन्यूटी है। शिवा मेरे फिल्म से भी जुड़े हुए हैं, एक्टिंग भी करवाता हूँ उनको पिक्चरों में, अच्छा लगता है। और ऐसा शायद ही कोई सैलून है जो मैं आया नहीं होगा, आप लोग सब लोग जानते हो। जब मधुर भंडार के बोल देता ना, उसके बाद बोलने के लिए कोई रहता नहीं। Shiva is an institution by himself. He's a college, he's a school, he's an entire representation of the entire community, which inspire करता है ये शख्स लोगों को किस तरीके से एक journey इंसान travel करता है। मैं इतना ही कहना चाहूंगी एवरीबॉडी, आप लोग जितने भी यहाँ हाजिर है, y'all are all working for Shivas and associated with Shivas, I want to ask you. आप लोगों ने जितना बताया, सॉरी पर मैं थोड़ी नई हूँ, अभी फिलहाल मैं एक दो बार गई थी शिवाज में, विच इज क्लोज टू माई हाउस। लेकिन मैं कहना चाहूंगी सबसे पहला मैंने देखा था जुहू में, एक कोने में जो था आपका सबसे पहला सैलून विच आई सॉ, एंड उसके बाद बहुत सारे मैंने देखे हैं। एंड मुझे हमेशा लगता था हु इज शिवा, एंड फाइनली आई सी हिम। तो कॉन्ग्रेचुलेसन टू शिवा भाई यानी उनकी टीम को कि 1988 में चालू की उन्होंने सफ़र, और मेरे जैसे उन्होंने छोटे लेवल पे काम चालू किया था। आज उनकी ऑल ओवर इंडिया में बहुत सी ब्रांच है, बहुत अच्छा नेचर है, बहुत अच्छी सर्विस है, और सिग्नेचर सलून के नाम से जो फेमस है उनके ऊपर अमित जी ने एक बुक्स भी लिखी है, बुक्स भी लॉन्च की है। और सभी फिल्म स्टार शिवा भाई के दोस्त है, और उनके वहाँ अगर आप अंधेरी ब्रांच में जाएंगे तो सब सुपरस्टार के साथ इनका फोटो रहता है, प्लस ठाकरे परिवार के साथ भी शिवा भाई का अच्छा
रिलेशन है ये बिजनेस का ही, तो शिवा भाई बहुत नेचर के और दिल के बहुत अच्छे से, तो ब्राइट फ्यूचर, बहुत खुशी हो रहा है, बहुत अच्छे से मतलब डे बाय डे जो प्रोग्रेस जो है ऊपर वाले के ब्लेसिंग से बहुत अच्छा हो रहा है, अपना मेहनत रंग लाया है, बहुत अच्छा लग रहा है। बच्चन साहब को उनका डैडी का भी मैं हेयर कटिंग करता था और उनका जो एक मैं उनको 7-8 बार मिला हूँ और ऐसा मतलब उन बहुत बहुत बोले तो बहुत खुशी हुआ है मेरे को, उन्होंने मेरा रेस्पेक्ट दिया, मेरे को बहुत अच्छा लगा, उनको हमेशा मैं धन्यवाद कहता हूँ।